ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का देश व्यापी आंदोलन शुरू। क्या कहते हैं देश के लोगों को, देखिए सिर्फ 47 न्यूज इंडिया पर। लड़ाई लड़ेंगे उनको पूरी तरह से, तो चुनाव आयोग है वो इग्नोर कर रहा है। चुनाव आयोग से ईवीएम मशीनों की मांग की जा रही है, लेकिन जिन वकीलों ने मांग की उन्हें बसों में भरकर हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हिरासत से निकलने के बाद ये वकील शांत नहीं बैठते, बल्कि जंतर मंतर पर पहुंचकर लाइव वीवीपैट हैक करके दिखाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन में ये सच्चाई की भावना डालें कि चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ये प्रार्थना करें पहली। इससे तो मोदी जी के आह्वान पे नुकसान नहीं हो रहा, उनका आह्वान खत्म, गए सफाई की, मनाई दिवाली, लेकिन प्रार्थना हमारी माने। उसके बाद एक और प्रार्थना करें कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले, ऐसी सरकारें मिले जो झूठ नहीं बोलती, संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाते। ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना मिले जो अपनी चेस्ट मेजरमेंट्स के बारे में, छाती की मेजरमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताए, झूठ ना बोले। मतलब ये झूठ ना बोले कि चाइना ने हमारे देश की एक इंच भी जमीन नहीं छीनी है। ऐसा बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए हमारे देश में, कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आए नहीं। अगर कोई प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा करे तो 15 लाख दे दे, अगर कोई प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा करे तो वो दे दे, झूठ ना बोल पाए। अगर वो ये कहे कि मैं बेरोजगारी हटा दूंगा, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा, 10 साल में मैं ये कर दूंगा, सबको घर दिलवा दूंगा, तो वो दिलवा दे, झूठ ना बोल पाए। आप सबने एक शायद फिल्म देखी होगी आपके दर्शकों ने, अंग्रेजी में भी आई थी वो लायर लायर, और शायद हिंदी में भी आई थी उसका एक वर्जन। तो उसमें एक बच्चा था जो ऐसी एक विश करता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत झूठ बोलते थे, ऐसा उस फिल्म में दर्शाया गया उसके पिताजी। तो वो ऐसी एक विश मांगता है कि मेरे पिताजी सिर्फ 24 घंटे तक झूठ ना बोल पाए। तो मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि ये दुआ मांगे कि हमारे देश में कोई भी एमपी एमएलए या हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित हमारा, जिसको मैं नौकर कहता हूं और वो नौकर है भी सब, कोई भी हमारा संवैधानिक पद पे बैठा, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, आजकल तो होम मिनिस्टर साहब को ज्यादा नमस्कार करना पड़ता है, होम मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, कोई भी संविधान की दायरे से बाहर जाके काम ना करे और झूठ ना बोले कभी।